ऑल एंड बायोलॉजी लर्निंग। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, हमने इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़नी है। हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी, हमने वो स्टार्ट किया हुआ था। आपकी जो बायो की बुक है उसका पेज नंबर 31 जो है, वहाँ पे हमने सारा स्टडी रीड आउट कर लिया था। हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर हम बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके बाद फिर फ्लोरा फाना क्या होता है, और कुछ लास्ट वाला जो पैराग्राफ है वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट MCQs थे वो हमने रीड आउट किए थे। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आपकी बुक का जो पेज नंबर 32 है, 32 पे लास्ट 2 पैराग्राफ दिए गए हैं डायग्राम के नीचे, और आज हमारा वो टॉपिक है। तो बच्चों, ये जो टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये एक इम्पोर्टेंट है और बोर्ड में आता भी है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आपने इसको अच्छे से याद करना है और समझना है, ठीक है, कि ये क्या है। समझाने से पहले एक और बात बता दूं कि इसकी ना पॉइंट आपने बना लेने हैं। तो अब वो एक पेंसिल रखें, बायो की बुक ओपन कर लें, और जहां जहां पे मैं कह रहा हूँ वहां वहां पे आप इसका पॉइंट जो है ना वो बनाते जाएं, ठीक है। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे नंबर 1 कर लें। फर्स्ट पॉइंट है, वो कह रहा है कि इम्पोर्ट बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स फूड फॉर ह्यूमन। ये क्या करती है कि ये ह्यूमन के लिए फूड देती है, ठीक है। जैसे हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं जिसमें वेजिटेबल्स फ्रूट्स आ जाते हैं जो हम प्लांट से हासिल करते हैं, इसी तरह अगर हम मीट खाते हैं, और मीट भी डिफरेंट टाइप के हैं, रेड मीट है, वाइट मीट है, जो हम एनिमल से हासिल करते हैं, तो ये जितने भी खाने हैं, फूड है, वो हम किससे हासिल करते हैं, वो हम बायोडाइवर्सिटी से हासिल करते हैं, ठीक है। मतलब कि डिफरेंट टाइप के हमारे पास जो ना वो फूड अवेलेबल है हमारे खाने के लिए। अगर ऐसा होता कि हमारे खाने के लिए जस्ट एक ही फूड होता खाने में, जो गंदम है, खाली गंदम ही होती, तो हम खाली गंदम के ऊपर तो डिपेंडेंट नहीं हो सकते था, हमें और चीज़ें भी चाहिए थी खाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने क्या किया है कि डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए पैदा की है, जिस पे हम क्या करते हैं, हम अपना फूड जो ना वो हासिल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये बता रहा है, अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ ड्रग्स आर ड्राइव्ड। हम क्या करते हैं कि ड्रग जो है उसकी बहुत ज़्यादा मिकदार में हम उसको हासिल कर लेते हैं, या तो वो डायरेक्ट करते हैं डायरेक्टली, या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब यहाँ से पकड़ा प्लांट और उसको खा लिया, वो डायरेक्ट है। और दूसरा ये है, इनडायरेक्ट ये है कि उसको लिया और लेने के बाद उसको किसी दूसरी फार्म में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने करने के बाद हम उसको लेते हैं, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट। तो डायरेक्टली इनडायरेक्ट हम उसको लेते हैं, ये दूसरा सिग्निफिकेंस है, ड्रग्स लेते हैं। नंबर 3, यहाँ से यहाँ पे नंबर 3 कर लें, अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल भी हम लेते हैं, यानी कि इंडस्ट्री में बनने वाला जो मटेरियल होता है वो भी हम बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी से हासिल करते हैं। जैसे क्या क्या है, बिल्डिंग मटेरियल है, जो लकड़ी का सामान होता है जो बिल्डिंग बनाने के लिए यूज होता है, वो फाइबर्स है, स्ट्रक्चर धागेनुमा जो होती हैं, डाइज, कलर, रेजिन्स, गम्स, एडहेसिव, रबर, ये चारों जो ना वो चिपकने वाले मादे होते हैं, एडहेसिव, जिसके हाँ जरिए हम मुख्तलिफ टाइप की जो गम्स होती हैं वो बनाते हैं, ठीक है। ऑयल हासिल करते हैं, ड्राइव डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट, कहाँ से हासिल करते हैं, प्लांट से हासिल करते हैं। तो ये पॉइंट नंबर 3 था इसका। और आगे है जो पॉइंट नंबर 4 है वो हम पढ़ेंगे। तो वो कह रहा है कि बायोडाइवर्सिटी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग द इकोसिस्टम। ये क्या करता है, बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये, कि ये हमारे इकोसिस्टम को मेक बना के रखता है, दूसरा मेंटेन, उसको मेंटेन भी रखता है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी अगर बायोडाइवर्सिटी ना हो तो इकोसिस्टम का सर्वाइव करना नामुमकिन है, ठीक है। उसकी रीजन ये है कि देखें, जब डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी होती है तो एक जानदार जो है वो दूसरे जानदार के ऊपर डिपेंडेंट होता है खाने के लिए और स्पेस के लिए, तो इसी तरह फिर क्या होता है, रहने के लिए। तो इस तरह क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो बनी रहती है अगर इकोसिस्टम को मेंटेन रखना पड़ता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि पॉइंट नंबर 5, ये यहाँ से पॉइंट नंबर 5 स्टार्ट होता है, वो कह रहा है इट प्ले अ पार्ट ऑफ रेगुलेटिंग अ केमिस्ट्री ओवर एटमोसफियर एंड वाटर सप्लाई। ये क्या करता है कि ये हमारे एटमोसफियर को और पानी को, जो एटमोसफियर है उसकी केमिस्ट्री बनाता है, यानी कि उसकी स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। और दूसरा ये क्या करता है, वाटर सप्लाई भी करता है, ये हमें पानी भी मुहैया करता है। जैसे प्लांट्स होते हैं वो बारिशों का बायस बनते हैं, और इस तरह हमें पानी मिलता है खेतों को, फिर फसलें ग्रो होती हैं, इस तरह करता है। और दूसरा ये है कि एटमोसफियर और केमिस्ट्री, हमारी केमिस्ट्री की जो है ना वो हमारी एटमोसफियर की केमिस्ट्री बनाता है, यानी कि उसको मेनटेन रखता है, ठीक है। मतलब बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो बर्ड्स हैं जो एक दूसरे के से जुड़े रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो ना ये बनाता है। आगे नेक्स्ट वाला पॉइंट है नंबर 6, यहाँ से नंबर 6 वाला पॉइंट स्टार्ट हो रहा है।
तो वो कह रहा है कि बायोडाइवर्सिटी इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिसाइकलिंग न्यूट्रंस एंड प्रोवाइडिंग फर्टाइल सॉइल। ये क्या करता है कि बहुत सारे न्यूट्रंस को रिसाइकल करता है। रिसाइकल का मतलब ये होता है कि एक दफ़ा इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने के बाद उसी न्यूट्रंस को दोबारा बनाया, फिर वो इस्तेमाल हुआ, फिर दोबारा बनाया, फिर इस्तेमाल हुआ, इस तरह ये साइकिल चलता रहता है। और उस न्यूट्रेंट्स की हमारे जो एटमोसफेयर में कमी नहीं होती और हमारी जो ना वो क्या कहते हैं फर्टाइल जो ज़मीन है वो सोइल जो वो क्या कहते हैं फर्टाइल जखीरेज रहती है। तो ये बच्चों 6 पॉइंट थे इसके जो कि इंपॉर्टेंस था बायोडाइवर्सिटी के थे। इनको आपने समझना है, रीड आउट करना है, और कुछ ना समझ आए तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, हमारे पास है क्लासिफिकेशन एम्स एंड प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका इंट्रोडक्शन है, ये हम पढ़ेंगे, ये हमारे पास एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कह रहा है कि दिया इज अ लार्ज कलेक्शन डिसिमिलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसे जानदार जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं वो बहुत ज़्यादा मिकदार में है एक दूसरे से, जैसे हिरन है, शेर है, और इसके अलावा और ऑर्गेनिज्म है जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, मिलते जुलते नहीं है। वो आगे एमसीक्यूज बता रहे हैं, ओवर 1.5 मिलियन टाइप ऑफ एनिमल्स, यानी कि इस ज़मीन पे 15 लाख, 1.5 मिलियन, 10 लाख होता है, 1.5, 15 लाख, 15 लाख से ज़्यादा एनिमल्स हैं। 4.5 मिलियन टाइप ऑफ प्लांट्स जो है ना वो मौजूद है, यानी कि 5 लाख से ज्यादा जो है ना वो क्या है प्लांट्स मौजूद है जिनको बायोलॉजिस्ट जानते हैं। वो कह रहा है आगे कि स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोटल टाइप ऑफ एस्टिमेटेड लिव ऑन द अर्थ, कहते हैं ये एक मामूली सी मिकदार है जो जमीन पे जो ना वो हमें एक अंदाजे के मुताबिक हमें पता चली है, ये तादाद बहुत ज्यादा है। द रेंज ऑफ कम्प्लेक्सिटी ऑफ स्मॉल एंड सिंपल बैक्टीरिया, इसकी जो रेंज है वो क्या है, छोटे छोटे स्मॉल बैक्टीरिया से लेके जो हमें आंख से नजर भी नहीं आते इनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, लार्ज कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिग तक, यानी कि इंसान यहाँ तक में शामिल है इसमें। सम ऑफ देम लिव ऑन द सी, कुछ जो है वो समुंदर में रहते हैं, कुछ जो है वो जमीन पे रहते हैं, कुछ जो है वो चलते हैं, और कुछ उड़ते हैं, अदर्स फ्लाई उड़ते हैं, और कुछ जो है वो बिल्कुल साकिन है जैसे कि प्लांट अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं। ईच हैड इट्स ओन वे ऑफ लाइफ, हर एक का अपना जिंदगी गुजारने का तरीका कार है, ठीक है। जैसे खुराक हासिल करना हर एक का डिफरेंट है। अवॉइडिंग अनफेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशन, नामुनासिब हालात से बचने के तरीका कार डिफरेंट है। फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव, रहने की जगह तलाश करना वो भी डिफरेंट है। रिप्रोड्यूसिंग इट्स काइंड, अपने बच्चों को पैदा करने का तरीकेकार भी डिफरेंट है। व्हेन देयर इज सो मेनी डाइवर्स काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, जब यहाँ पे इतनी टाइप के ऑर्गेनिज्म या जानदार मौजूद है तो फिर क्या होता है, इट बिकम डिफिकल्ट टू लर्न, तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाता है सीखना अबाउट द करेक्टरिस्टिक ऑफ ईच, हर एक की खसूसियत को सीखना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हमको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। जैसे आगे क्या है, टू स्टडी अ सच लार्ज कलेक्शन, इतनी बड़ी कलेक्शन को स्टडी करने के लिए बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म इंटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, क्या करते हैं उनको ग्रुप्स में और छोटे सब मीन्स छोटे छोटे ग्रुप्स में उसको डिवाइड करते हैं। फॉर दिस टास्क, और इस काम के लिए रिक्वायर सम सिस्टम, लेकिन ये काम करना कोई आसान काम थोड़ी है, इसके लिए किसी सिस्टम की जरूरत पड़ती है, और वो सिस्टम कौन सा होता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मेथड बाय विच द बायोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गन इंटू ग्रुप्स एंड सब। इन्होंने एक मेथड एक तरीकाकार अपनाया है जिसमें हम क्या करते हैं कि बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो जानदारों को ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। और वो कौन कौन से तरीकाकार हैं जिसमें हम उनको ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं, वो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, हम उसको नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो ना वो डिवीजन करेंगे, उसकी जो डिटेल पढ़ेंगे। आज आपके लिए दो टॉपिक हैं, एक इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्स जो मैंने आपको पॉइंट के फॉर्म में आपको पढ़ा दी है, और दूसरा हमारे पास है क्लासिफिकेशन एम्स एंड प्रिंसिपल, और इसका ये बच्चों इंट्रोडक्शन है। यहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन की हेडिंग दे देनी है, ठीक है, और इंट्रोडक्शन की हेडिंग देने के बाद आपने इसको जरा एमसीक्यूज के तौर पर याद कर लेना है, और अगर कोई चीज समझ ना आए तो आप मेरे से जरूर पूछिएगा। और बच्चों अगर आपको इसी तरह मेरे 9th के लेक्चर जो है अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर तरीके से मिलते रहें, और वो बच्चे जो कि फर्स्ट ईयर में मैट्रिक के पेपर होने के देने के बाद हुए हैं वो प्री मेडिकल करना चाहते हैं, और अगर वो चाहते हैं कि जी हमें फर्स्ट ईयर के लेक्चर बायोलॉजी के लेक्चर भी मिलते रहें, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि मेरी हर आने वाले जो लेक्चर हैं वो आपको टाइम पर मिल सकें। ओके बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।